एक्सेलेंस फैमिली में मैं हूं रवि और 12वीं लेखा शास्त्र में हम साझेदारी लेखांकन पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पूंजी पर ब्याज की गणना की थी। आज हम आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे, मतलब कि आहरण पर ब्याज होता क्या है पहले ये समझेंगे, फिर आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे, क्योंकि लाभानि नियोजन खाते के लिए इन सभी बिंदुओं पर बात करना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आहरण पर ब्याज क्या होता है ये समझते हैं। तो दोस्तों, साझेदार द्वारा फर्म से निजी खर्च के लिए ली गई धन या संपत्ति की राशि पर फर्म द्वारा लिए गए ब्याज को आहरण पर ब्याज कहा जाता है। तो यदि आपकी ये फर्म है और इसके साझेदार हैं दो, ए तथा बी, अब साझेदारों द्वारा फर्म से निजी खर्च के लिए ली गई राशि, ये दोनों फर्म से निजी खर्च के लिए कोई राशि उठाते हैं और उस पर दिए गए ब्याज या फर्म द्वारा लिए गए ब्याज पूंजी ये विनियोजित करते हैं फर्म में, तो पूंजी पर ब्याज फर्म इनको देती है। आहरण ये फर्म से लेते हैं तो फर्म को ब्याज देना पड़ेगा। वही बात की गई है, निजी खर्च के लिए अगर पैसा उठाओगे तो आहरण है, उस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरह से फर्म द्वारा लिए गए ब्याज को आहरण पर ब्याज कहा जाता है। तो आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या हुआ, आय हुआ। क्यों? क्योंकि फर्म को मिल रहा है। तो आहरण पर ब्याज किसको कहते हैं, ये रहा क्या कि यदि साझेदार निजी खर्च के लिए कोई राशि उठाते हैं, कोई संपत्ति उठाते हैं, तो उस राशि पर दिया गया ब्याज क्या कहलाएगा, आहरण पर ब्याज। अब इसकी गणना की ओर चलते हैं दोस्तों कि आहरण पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। तो थोड़ा सा आप इस वीडियो में संयम बना के रखिएगा, क्योंकि आहरण पर ब्याज थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो मैंने इसके हर बिंदु पर बात की है, भाई प्रतिवर्ष है दर में तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, माह के प्रारंभ में करेंगे आहरण तो क्या होगा, मध्य में करेंगे, सारी चीजों पर बात की है। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर संयम बनाकर बैठेंगे तो एक एक चीज हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जब प्रतिवर्ष ना हो, प्रतिवर्ष प्रतिशत प्रतिवर्ष ना हो, प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या होता है, जैसे ए और बी इस फर्म के साझेदार है, इन्होंने 10,000 रुपए और 10,000 रुपए दोनों का आहरण है 10,000 रुपए, है ना, 10,000 रुपए फर्म से आहरण किया। अब होता क्या है, फर्म साझेदारी संलेख में क्या लिखती है कि आपसे हम आहरण पर ब्याज 12% लेंगे, 12% लेंगे, 12% प्रतिवर्ष नहीं लिखा है, या यहां पर परिणम जैसी कोई चीज नहीं लिखी है। इसलिए प्रतिशत के साथ प्रतिवर्ष ना हो तो इसका क्या महत्व होता है या इसका क्या प्रभाव होता है। देखिए, मैंने आपको बोला कि भैया ये लो 10,000 रुपए, आपको चाहिए तो आप रख लो, ठीक है, उधार दे रहा हूं मैं आपको 10,000 रुपए। आपने बोला कितना क्या ब्याज लोगे, मैंने कहा 10% लेंगे, 10% मतलब 10,000 के ऊपर 10% गिन दो 1,000 रुपए। भले अब ये आप 6 महीने यूज करो, 8 महीने यूज करो, 12 महीने यूज करो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैंने बोला 10% लूंगा, प्रतिवर्ष तो नहीं बोला। अगर प्रतिवर्ष होता तो फिर मैं माह गिनता कि कितने माह तक यूज किया है। तो जब प्रतिवर्ष ना हो, प्रतिवर्ष में सॉरी प्रतिशत में प्रतिवर्ष ना हो तो हमें समय को ध्यान नहीं देना है। जैसे आपका साल चल रहा है, आपका साल चल रहा है अप्रैल से 31 मार्च तक 2018-2019। अब आप आहरण चाहे 1 अप्रैल को करो, चाहे 1 अक्टूबर को करो, चाहे 1 दिसंबर को, आहरण 10,000 है और 12% है, प्रतिवर्ष नहीं लिखा, तो आहरण पर ब्याज 1200 ही बनेगा। कैसे, 10,000 का 12%, बस इसमें कोई समय की गणना नहीं होगी। तो प्रतिशत में प्रतिवर्ष नहीं लिखा हो तो समय की गणना नहीं करनी है, डायरेक्ट परसेंटेज लगाना है। और यदि प्रतिशत में प्रतिवर्ष दिया हो तो क्या, समय के हिसाब से चलेगा। तो आहरण का निश्चित समय नहीं दिया है तो क्या होगा, इसमें भी कंडीशन बनती है कि प्रतिशत होता क्या करना है। तो अगर आहरण का समय निश्चित नहीं दिया, जैसे अब इससे पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं, आहरण का समय निश्चित दिया हो तो क्या करना है, जैसे यहां पर हम दो उदाहरण मान लेते हैं कि ए तथा बी हमारे साझेदार है, इसने आहरण किया है 2,000 रुपए का, इसने आहरण किया है 1,000 रुपए का, इनको आहरण पर ब्याज की दर जो है 12%
प्रतिवर्ष है, 12% प्रतिवर्ष। अब मान लो इनका साल जो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इसमें भैया माह का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए आपको वित्तीय वर्ष है या कैलेंडर वर्ष है क्या है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2018 या मान लो 2019 क्या आपका साल 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को। अब मान लो ए ने आहरण किया 1 अप्रैल के दिन, तारीख दी है कि ने 1 अप्रैल के दिन 2000 रुपये उठाए, और बी ने आहरण किया 1 अक्टूबर के दिन, 1 अक्टूबर के दिन आहरण किया, तो क्या होगा? यहाँ निश्चित समय दिया है क्या कि ए ने 1 अप्रैल के दिन ही आहरण किया है, तो 1 अप्रैल के दिन आहरण किया है तो ए का आहरण कैसे ज्ञात करेंगे? 2000 ए का आहरण 12% प्रतिवर्ष, कितने समय के लिए आहरण किए, कितना टाइम हुआ उसको? 12 महीने, तो 12 महीने का ही ब्याज दे दो पूरे वर्ष भर का, तो 120 रुपये इसका आरण पर ब्याज होगा। परंतु इसको देखिए, बी ने आरण कब किया? 1 अक्टूबर को, तो बी का कैलकुलेशन कैसे होगा? 1000 इसकी आरण की राशि है, 1000 × 12%, लेकिन अक्टूबर से, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च हमारा मार्च तक चल रहा है, तो इस पे कितने महीने का ब्याज लगेगा? 6 महीने का। तो इस तरह से 60 रुपये इसके आहरण पर ब्याज होगा। यदि यदि ए आहरण करता 1 जनवरी 2019 को, तो क्या होता? जनवरी फरवरी मार्च 3 माह होते, तो ए का आहरण कितना था? 2000 × 12% × 3 माह का ही ब्याज लगता, 3 माह का लगता यहां पर 60 रुपये। मतलब प्रतिवर्ष लिखा हो प्रतिशत में तो जितने समय तक आपने राशि का उपयोग किया उतने समय का आपको ब्याज देना है, पर वो तब जब निश्चित समय दिया हो। अब निश्चित समय नहीं दिया हो तब क्या करना है समझिएगा। जैसे ए और बी दोनों ने 2000 रुपये और 1000 रुपये आहरण किया, कब? वर्ष भर में आहरण किया, मतलब कुल मिला के इसने 2000 रुपये उठाए, इसने 1000 रुपये उठाए। अब आप सोचो भैया आहरण होता क्या है? व्यापार से निजी प्रयोग के लिए राशि उठाना आहरण है। अब सोचिए आपकी खुद की दुकान है, उसमें गल्ले में रुपया रखा है, तो कब कब आप निश्चित समय देखते हो क्या कि 100 रुपये अभी उठाए? नहीं, हर महीने ही उठाना है या साल में एक बार ही उठाना है, बस जब जरूरत होती है तब उठा लेते हैं, तो निश्चित समय नहीं होता आहरण का सामान्यतया। इसलिए जब वर्ष भर में कुल मिलाकर 2000 रुपये आहरण किया या वर्ष भर में कुल मिलाकर 1000 रुपये आहरण किया, समय तो निर्धारित है नहीं। तो अगर मैं कैलेंडर देखूं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, दोस्तों मैं अमूमन अपना जो वर्ष लेकर चल रहा हूं वो कौन सा चल रहा हूं? 1 अप्रैल से 31 मार्च, मेरा आधार यही रहेगा, इस हिसाब से आप मान लीजिएगा। तो ये वर्ष भर है, तो अब वर्ष भर में इसने कब आहरण किया है? अप्रैल में किया, जनवरी में किया, जुलाई में किया, अक्टूबर, कुछ जानकारी ही नहीं है, तो ना तेरा ना मेरा, बीच की बात मान लेते, तो भाई ना तो इस पे 12 महीने का ब्याज लगाते ना 0 महीने का, हम बीच की बात कर देते कि 6 महीने का लगाते। तो यहां पर समय निर्धारित नहीं था कि प्रतिशत में प्रतिवर्ष तो था कि 12% प्रतिवर्ष आपका आहरण पर ब्याज लगना है, लेकिन समय निर्धारित नहीं है, तो हमें क्या एवरेज मानना पड़ेगा, मतलब कि औसत मानना पड़ेगा कि ना 12 महीने आरण हुआ ना 1 महीने आरण हुआ, बराबर 6 महीने आरण हुआ। तो इस तरह से ए के ऊपर ब्याज कितना बनेगा? 2000 × 12% है 12%, कितना? 6 महीने का ब्याज लग जाएगा। तो जब प्रतिशत में प्रतिवर्ष हो और समय निर्धारित नहीं हो तो उस पर 6 महीने का लगा दीजिए, क्योंकि हम औसत करने वाले हैं। 120 रुपये ए का ब्याज हो जाएगा। बी की अगर बात करें तो बी का है 1000 रुपये आहरण, तो 1000 रुपये 12% और 6 महीने का, तो जब 2000 का 12% 6 महीने का 120 निकला, तो भाई साहब का 60 निकलेगा, ये 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 60 रुपये निकलेगा। इस तरह से ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक से अधिक बार आहरण किया है, यदि समय निर्धारित है
समय निश्चित है, एक से अधिक बार आहरण किया हो तथा आहरण की राशि तथा आहरण का समय समान नहीं हो। आहरण की राशि, अभी तो हमने एक एक बार ही साल में आहरण किया था, जैसे 1 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, अब साल भर में कई बार आहरण कर रहे हैं, पर ना तो आहरण की राशि समान है ना ही समय। जैसे अब मेरा वर्ष यहां 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है और मैंने आहरण किया 2018 में 1 अप्रैल के दिन, मतलब वर्ष के प्रारंभ में। कितना आहरण किया है दोस्तों? आहरण किया है मैंने 3,000 रुपए। फिर 1 सितंबर को किया, 1 सितंबर आ गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने निकले और फिर 1 सितंबर को 2,000 रुपये। तो ना तो राशि मैंने समान आहरित की ना ही समय। अब अगला आहरण किया दिसंबर में, तो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, 2 महीने निकले और 1 दिसंबर को तो आहरण कर लिया। दिसंबर नहीं गिनना, 1 दिसंबर को तो आहरण कर लिया, तो 2 महीने पहले 5 महीने की गैप थी आहरण में, अभी 2 महीने की। तो ना तो निश्चित समय समान है ना आहरण। 1 दिसंबर को किया 3,000 का, 1 फरवरी को 4,000 का, 31 मार्च को 2,000 का। तो इस समय हम आहरण पर ब्याज की गणना 2 विधि से करते हैं। एक विधि हमारी साधारण विधि, एक विधि हमारी गुणनफल विधि। पहले साधारण विधि पे बात करते हैं, कैसे इसमें कैलकुलेशन किया जाएगा। अब देखिए, साधारण विधि बहुत आसान है। इसमें आपने यहां पर मेरा ब्याज का दर, आहरण पर ब्याज 12% प्रति वर्ष है, तो मैं आधार मान के चल रहा हूं कि 1 अप्रैल 31 मार्च मेरा साल भर चलेगा और 12% प्रति वर्ष के हिसाब से मेरा आहरण पर ब्याज रहेगा। तो कैलकुलेशन अभी यहां हम करते हैं गणना। तो सिंपल सा, ये 1 अप्रैल को आपने आहरण किया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गिनो, हमारा साल चल रहा है 2018 से, तो 31 मार्च 2019 तक साल चलेगा, तो कितना समय हुआ इस आहरण को? 12 महीने हुए कि नहीं हुआ? तो सीधा सा 3,000 पे आप 12% के हिसाब से 12 महीने का, मतलब अगर मैं 12/12 करूं तो वही 1 निकलता है, मतलब 3,000 पे साल भर का आहरण कर दीजिए आप, साल भर का ब्याज लगा दीजिए, सॉरी, तो साल भर का ब्याज लगा देंगे, 360 रुपये हो जाएगा। इसी तरह 1 सितंबर, अब 1 सितंबर से 31 मार्च तक जाओगे 2019, जहां आपका साल खत्म हो रहा है, कितना समय हो रहा है? सितंबर, अक्टूबर, सितंबर भी गिनना है क्योंकि 1 सितंबर को ही आहरण कर लिया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां पर 7 महीने हो रहे हैं, तो 2,000 पर आप 12% और वो भी 7 माह का ब्याज लगा दीजिए, 7 माह का ब्याज लगा देंगे, 140 रुपये इसका ब्याज बनेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 माह का बनता है, तो 3,000 पर 12%, 4 माह का ब्याज लगा दीजिए, 120 रुपये। और फरवरी मार्च 2 माह का, 4,000 पर 2 माह का ब्याज लगा दीजिए, 12 से 12 और 80 रुपये। और अब ये आहरण कब किया भैया? 31 मार्च, जिस दिन साल खत्म हो रहा है, तो 2,000 पर अगर तुम 12% लगाओगे भी सही, तो जीरो मंथ का मतलब यहाँ कैलकुलेशन होगा ही नहीं। तो भैया जब तुम 31 मार्च को साल खत्म कर रहे हो और उसी दिन आहरण किया, तो कितना टाइम बना? टाइम बना ही नहीं, तो ब्याज भी नहीं लगेगा, इसलिए इस पर जीरो लगा। तो ये गणना वैसे आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है, वैसे भी जीरो गुणित में अगर जीरो आ गया तो सबको जीरो कर देगा वो। तो टोटल कितनी हुई दोस्तों? टोटल आहरण पर ब्याज हुआ हमारा 300, 400, 500, तो ये हो गया 600, 3, 4, 5, 6, 700 रुपये ब्याज बनता है आपका, 700 रुपये ब्याज। आहरण पर कुल ब्याज कितना हुआ इसका? 700 रुपये। यदि हम इसी उदाहरण को गुणनफल विधि से करें तो क्या होगा? तो गुणनफल विधि से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आंकड़े वही लिए, 1 अप्रैल, 1 सितंबर वगैरह। गुणनफल विधि में हमें क्या करना है? बस समय जोड़ना है। इस आहरण को कितना समय हुआ? 12 महीने का। इस आहरण को कितना समय हुआ? अभी मैंने देखा था 7 महीने का, इसको 4 महीने का, इसको 2 महीने का, इसको 0 महीने का। बस इस राशि में इसका गुणा कर दीजिए। गुणा क्यों कर रहे हैं ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो ये गुणा कर दीजिए, तो 36,000 रुपये
14,000 रुपये, 12,000 रुपये, 8,000 रुपये और जीरो, सबको फिर जोड़ लीजिए। तो सबको हम जोड़ेंगे 30, 40, 50, 60, 70,000 रुपये हो जाएगा। जब गुणनफल आपके पास आ जाए 70,000 रुपये, तो आपको छोटा सा एक सूत्र लगाना है, आहरण पर ब्याज। यह आपका आया कुल गुणनफल। प्रोडक्ट मेथड कहते हैं इसको। तो आहरण पर ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुल गुणन फल गुणित दर गुणित 1/12/100। अब कुल गुणनफल आपके पास है 70,000, दर है वही 12%, समय 1/12, 12 से 12 0000। आंसर वही आएगा 700, जो हमने साधारण विधि से कैलकुलेट किया। अंतर क्या आ गया दोस्तों, ये देखो इसमें क्या किया हमने, हर राशि का गुणा दर से किया है ना, और उसके समय से किया है। राशि का गुणा समय से किया, यहां राशि का गुणा समय से किया, यहां राशि का गुणा समय से किया, पूरा 12 महीने ही था इसलिए। तो यहां हमने पहले गुणा कर लिया अलग अलग, ये गुणा कर लिया अलग अलग, उसके बाद सबके लिए दर तो समान ही थी तो दर एक लगा दी, और सबके डिवाइड में 12, देखो यहां भी सबके डिवाइड में 12 था, वहां भी सबके डिवाइड में, तो एक साथ यूं समझ लो एक साथ गुणा पहले हमने कर लिया, एक साथ गुणा कर लिया, उसके बाद ये 70,000 सबको उनके मंथ में गुणा करने से आ गए, और दर सबकी एक साथ लगा दी और डिवाइड सब में 12 एक साथ कर दिया। तो इस तरह से साधारण विधि और गुणनफल विधि से हम आरण पर ब्याज निकाल सकते हैं, परंतु कब, जब आरण की राशि समान ना हो और समय समान ना हो। अब आरण की राशि भी समान हो और समय भी समान हो तब कैसे करेंगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और जब आरण की राशि तथा आरण का समय समान हो और आरण की दर दी हुई है कितने, 12% प्रतिवर्ष भी है, और प्रत्येक माह में आरण यदि करें, यहां पर राशि भी समान है और समय भी समान है। जैसे कि गोपाल प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000 रुपए का आरण करता है प्रत्येक माह के प्रारंभ में। अब मैं पहले से यहां डिसाइड कर लेता हूं कि अपना जो साल है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। ओके, अब प्रत्येक माह के प्रारंभ में आरण करता है, तो ये यहां कैलेंडर बना लेते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, सॉरी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, प्रत्येक माह के प्रारंभ में आरण करता है। तो आरण कहाँ किया उसने, आरण उसने किया है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब प्रत्येक माह के आरंभ में। और कितने रुपए का आरण किया है, 2,000 रुपए का, हर महीने 2,000 रुपए का आरण करता है, 2,000 रुपए का। इसी प्रकार हर जगह 2,000 का आहरण किया। अब मुझे आप बताइए कि इस आहरण को किए कितने समय हो गए हैं, तो इस आहरण को किए भैया हो गया है समय 12 महीने, 12 महीने, इसको 11 महीने, इसको 10, इसको 9, 8, 7, 6, 5, 4 महीने, 3, 2, 1, तो इन पर ब्याज भी इतना ही लगना चाहिए। तो हम साधारण विधि से नहीं जाएंगे, गुणनफल विधि से नहीं जाएंगे, यहां हम इसका औसत कर सकते हैं। क्या कि 12 महीने का भी मत लगाओ और 1 महीने का भी बीच का रास्ता कुछ लगा लो, है ना, क्योंकि यहां पर राशि भी समान है। तो हमें यहां पर औसत समय निकालना पड़ेगा कि कितने माह का औसत निकल रहा है। इसके लिए आप याद रखिए, प्रथम आहरण के पश्चात समय प्लस अंतिम आहरण के पश्चात समय बटे दो। प्रथम आहरण के पश्चात समय और अंतिम आहरण के पश्चात समय। पहला आहरण आपने 1 अप्रैल के दिन किया, 1 अप्रैल के बाद साल को खत्म होने में कितना टाइम बच रहा है, 12 महीने, महीने के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, 12 महीने प्लस अंतिम आहरण कब किया आपने, यहां 1 मार्च के दिन, उसके बाद साल खत्म होने में कितना समय बच रहा है,
एक माह बच रहा है, तो 12 और 1 का औसत निकाल लो, ये औसत के लिए बटे दो, दो संख्या है औसत के लिए बटे दो इसलिए किया, 13/2 कितना निकल कर आया 6.5, मतलब 6.5 माह का अपन इस पे ब्याज लगाएंगे। तो 6.5 माह का ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने 2000 रुपए का आरण किया है, तो 2000 रुपए साल भर में, तो 12 महीने का 2000 रुपए, तो वर्ष भर का आहरण कितना हुआ 24000 रुपए। ये आहरण पर ब्याज की गणना, 24000 रुपए, दर हमारी 12% है, कितने समय का 6.5 महीने का लगाना है ब्याज, तो 6.5 महीने का ब्याज लगा दीजिए, 12 से 12 0 0, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1560 रुपए प्रति माह का, सॉरी प्रतिमा ने इसने जो आरण किया है उसके ऊपर ब्याज कितना बना दोस्तों 1560 रुपए, यदि वह प्रतिमा की प्रथम तारीख को आरण करता है। यदि गोपाल प्रत्येक माह के अंत में आरण करे तो क्या कहानी होगी, अप्रैल सॉरी अब यहां पर भी कैलेंडर का इस्तेमाल करेंगे हम, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ओके अब वो आरण कहां करता है, हर बार यहां पर यहां पर यहां पर यहां 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 हर हर साल नहीं सॉरी हर महीने आरण वो कब करता है, महीने के आखिरी में, कितना आरण करता है 2000 रुपए। अब मंथ कैलकुलेशन करें तो इस आरण पर 11 महीने का ब्याज हो, इस पर 10 का, इस पर 9 का, इस तरीके से है ना, तो वही माह का कैलकुलेशन या समय की गणना करेंगे। कैसे, प्रथम आरण के पश्चात समय, प्रथम आरण के पश्चात साल भर खत्म होने में 11 महीने बच रहे हैं, क्योंकि आपने पहला आरण किस दिन किया, माह के अंत में, अप्रैल के अंत में, मतलब 30 अप्रैल के दिन, अप्रैल तो निकल चुका है, अब कितने महीने बचे, अब आपके पास 11 महीने बचे, प्लस आखिरी आरण आपने यहां किया 31 मार्च के दिन, और साल भी 31 मार्च के दिन खत्म हो रहा है, तो 0/2 तो बराबर कितना आया, सॉरी 11/2 बराबर 5.5 महीने का ब्याज इस पे लगा दो। अब वही 2000 रुपए प्रतिवर्ष है, तो 24000 रुपए तो आरण की राशि हुई 12% के हिसाब से, और 5.5 महीने का आप इस पर ब्याज लगा दो, तो इस हिसाब से आपके पास बचेगा 1320 रुपए। ये गोपाल का आरण यदि वो माह के अंत में करेगा, तो गोपाल प्रत्येक माह के मध्य में आरण करे तो अप्रैल, चलो इसी कैलेंडर में, इसी में नहीं बताते, थोड़ा किचपिच हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अब वो प्रत्येक माह के मध्य में आरण करता है, मतलब यहां, तो पहला आरण क्या किया उसने 15 अप्रैल के दिन, दूसरा 15 मई 15 जून जुलाई, इसी तरह आखिरी आरण कहां किया उसने 15 मार्च के दिन। समय की गणना कर लेते हैं, पहले आरण को कितना समय हो गया है, मतलब क्लोजिंग के दिन कितना टाइम बचा हुआ है, देखो 11 महीने तो ये बराबर बचे हुए हैं, 11 महीने तो ये है ना, और 15 दिन इसके, मतलब आधा महीना उसका, तो प्रथम माह को तो हुआ है 11.5 महीने, और आखिरी आरण कहां किया उसने, यहां मतलब आधा महीना ये, तो बटे दो, मतलब कि 12/2 बराबर 6 माह का आरण इस पे लगा देंगे, तो 24000, भाई 2000 प्रत्येक माह का है, तो 12 महीने का हुआ 24000, 12/100 इंटू 6 महीने का, इस हिसाब से हो जाएगा 1440 रुपए आहरण पर ब्याज इसका हो जाएगा यदि प्रत्येक माह के मध्य में करता है तो। आगे यदि प्रत्येक तिमाही में आहरण करे, ये तिमाही क्या होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अब हर साल में 4 तिमाही होती है, ये पहली तिमाही, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब 3 माह का संगम तिमाही कहलाता है, तो वो प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, मतलब एक आरण करा उसने यहां, एक यहां किया, एक यहां, 4 बार आरण किया,
वर्ष में चार बार, तो पहले समय की गणना उसी आधार पे होगी। प्रथम आरंभ, प्रथम आरण के बाद कितना समय बचा, देखो प्रथम आरण किया यहां पर 31 मार्च है यहां, तो वही 12 महीने बच रहे हैं, तो 12 कैलकुलेशन माह के हिसाब से होगा। आखिरी आरण कहां किया, यहां पर आखिरी आरण यहां किया, इसके बाद कितने महीने बचे, 3/2 मतलब 15/2 बराबर 7.5 माह का, इस पर कैलकुलेशन कर दीजिए, है ना। तो 12,000 एक तिमाही में आरण किया, 12,000 यहां आरण किया, 12 यहां पर प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में कर रहा है, तो वर्ष में 12,000 गुणित 4 मतलब कि 48,000 रुपए का कुल आरण किया इसने वर्ष में। तो आरण पर ब्याज की गणना कर लेते हैं, 48,000 रुपए गुणित दर 12/100 गुणित समय कितना है 7.5, इस हिसाब से 3600 रुपए इसके आरण पर ब्याज बन जाएगा। इसके बाद यदि गोपाल प्रत्येक तिमाही के अंत में आरण करे, तो ये देखो इसी तिमाही में समझा देता हूं, अगर गोपाल अब प्रत्येक तिमाही के अंत में आरण करेगा, तो पहले आरण यहां किया, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पहले आरण के बाद कितना समय बचा 9 महीने और आखिरी आरण के बाद 0 महीने, इस हिसाब से यहां पर समय की गणना 9+0/2 हो जाएगी, मतलब कि 9/2 मतलब कि 4.5 महीने का यहां पर ब्याज लगेगा। तो 12,000 एक तिमाही में कर रहा है, तो भाई 12,000 गुणित 4, तो पूरे वर्ष भर की आरण कितनी हुई 24,000, तो आरण सॉरी पूरे वर्ष भर का आरण हुआ 48,000 रुपए, तो 48,000 पे कैलकुलेशन हो जाएगा, 48,000 रुपए गुणित 12/100 गुणित 4.5 महीने का हम आरण, इस पर ब्याज हम लगा देंगे, ये बचेगा 2160 रुपए, ये हो जाएगा। तो ये यदि प्रत्येक तिमाही के अंत में करता है, प्रत्येक तिमाही के मध्य में करता है तो क्या होगा, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये तिमाही आपकी 1, 2, 3, 4, अब प्रत्येक तिमाही के मध्य में पहला आरण यहां किया, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, वर्ष में 4 आरण किए, पहले आरण के बाद कितना समय बचा, देखो 10 महीने तो ये सूखे सूखे बची रहे और आधा महीना ये 10.5 प्लस आखिरी आरण यहां किया, इसके बाद कितना महीना बचा 1.5 महीना/2 मतलब कि 12/2 मतलब कि 6 महीने का लगा दो, वही 4 बार आरण किया आपने, 48,000 गुणित 12/100 गुणित 6/12, तो इस हिसाब से काटेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2880 रुपए, इस हिसाब से ये ब्याज की गणना हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आरण पर ब्याज में प्रतिशत हो, प्रतिवर्ष हो नहीं हो, दर समान मतलब समय समान हो नहीं हो, प्रत्येक माह में करे, प्रत्येक तिमाही में करे, ये सभी समस्याओं का समाधान हमने यहाँ पर किया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, पर उद्देश्य क्या है कि पूरी चीज समझ में आए, तो उम्मीद करता हूं कि मेरा उद्देश्य पूरा हुआ होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।